जब तक आपके पास दिमाग है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, और जब आपका दिमाग खराब हो जाए तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। Hey guys, what are you talking about? मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, वो है खुशी। और खुशी के लिए मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा। देखो, अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहते हो एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन जैसी वॉइस में, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एकदम फ्री तरीका बताने वाला हूँ, चाहे आपको हिंदी में वॉइस जनरेट करना है, चाहे आपको इंग्लिश में वॉइस जनरेट करना है। एकदम जो उसका एक्सेंट रहेगा वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा सुनाई देगा, और वो वॉइस भी एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन जैसी लगेगी। और जैसे कि मैंने बोला, ये फ्री रहेगा और अनलिमिटेड रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कि कोई लिमिटेशन का आपको सामना करना पड़ेगा। वैसे भी आजकल लोग AI जनरेटेड कंटेंट बहुत बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग टेक्स्ट टू स्पीच करके वहाँ पे पीछे वॉइस ओवर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलो फटाक से मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और कहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, तो अगर आप विंडोज 11 यूजर हो तो बस आपको अपने विंडोज 11 में यहाँ पे नीचे विंडोज वाले आइकन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको कहीं क्लिप चैम्प नाम से एक वीडियो एडिटर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ पे बस सर्च कर लो क्लिप चैम्प, ऐसे यहाँ पे सर्च कर लो और आपको यहाँ पे क्लिप चैम्प दिखाई देगा, इसको आप लोग ओपन कर लो। अगर आप लोगों के पीसी में ये नहीं दिखाई दे रहा है, विंडोज 10 यूजर हो या फिर विंडोज 11 यूजर हो और कोई विंडोज यूजर हो आप, तो आप अपने स्टोर में भी जा सकते हो, यहाँ पे ऐप स्टोर में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है वहां पे जाके भी आप क्लिप चैम्प सर्च कर लोगे, तो वहां पे भी आपको ये जो वीडियो एडिटर है ये आपको मिल जाएगा। वैसे ये वीडियो एडिटर है बट इसके अंदर टेक्स्ट टू वॉइस का भी आपको फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिप चैम्प को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्लिप चैम्प को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आएगा। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो लोड हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो इसलिए डायरेक्ट ये इंटरफेस आ गया। आपको वहाँ पे पहले साइन इन विद गूगल या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से वहाँ पे डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे मेरा भी एकदम फ्री प्लान है, आप लोग देख सकते हो, अपग्रेड का ऑप्शन है यहाँ पे, फ्री प्लान है। यहाँ पे वाटरमार्क फ्री एक्सपोर्ट, कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आता। अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना तो आप वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, बट हमारे इस वीडियो का मेन मुद्दा है टेक्स्ट टू स्पीच एकदम रियलिस्टिक वॉइस में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट योर फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है। अब हमको वीडियो नहीं बनाना है, बट स्टिल आपको क्रिएट योर फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देना, आपके सामने ऐसा ये वीडियो एडिटर का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट टू स्पीच का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, रुक जाओ ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये लोड हो चुका है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन करेंगे और समझ लो आपको हिंदी में टेक्स्ट टू स्पीच करना है, आप में आपको हिंदी में वॉइस चाहिए, तो आप यहाँ पे हिंदी सर्च कर लो, इंडिया सर्च कर लो हिंदी, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं हिंदी इंडिया, ये मिल गया हमको। यहाँ पे वॉइस आपको लड़की की चाहिए या फिर मधुर की चाहिए, मतलब स्वरा की या मधुर की, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये जो स्पीच स्पीड है इसको फास्ट कर देना है, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। तो इसको फास्ट कर लो और ये बाकी यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट रहने दो। अभी यहाँ पे मैं स्वरा की वॉइस रहने देता हूँ, और समझ लो मैंने यहाँ पे एक हिंदी में एक लाइन जो है वो पेस्ट कर दिया है, मुझे कल सपना आया था ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि सुनाई कैसा दे रहा है। मुझे कल सपना आया कि मैंने 1 करोड़ का लॉटरी जीता, पर सुबह उठकर पता चला कि मुझे 2 करोड़ का कर्ज है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये सुनाई देगा। इसमें फीमेल की वॉइस, आपको मेल की वॉइस सुनना है तो आप यहाँ पे मधुर को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं मेल की वॉइस। मुझे कल सपना आया कि मैंने 1 करोड़ का लॉटरी जीता, पर सुबह उठकर पता चला कि, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से मेल का जो है वॉइस है वो भी आएगा। अब अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप यहाँ पे बस लैंग्वेज पे जाओ और यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो क्योंकि यानी मतलब इंग्लिश जब आ ही रहा है तो फिर उसका एक्सेंट जो है वो थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स वाला आना चाहिए ना। तो यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमको एक इंग्लिश में लाइन जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड में कॉपी करके रखा है, तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश में लाइन जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम लोग सुन के देखते हैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करके। Light travels faster than sound. That's why some people appear bright until you hear them speak. ठीक है, तो ये अभी फीमेल की वॉइस थी यहाँ पे जेनी की। यहाँ पे आपको और भी काफी ज्यादा लोगों की वॉइस मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप और किसी की भी वॉइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी जेसन की वॉइस एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और सुन के देखते हैं कैसी आ रही है। Light travels faster than sound. That's why some people appear bright until you hear them speak. है ना, तो ये हो गया अपना इंग्लिश में भी वॉइस। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग चाहे जितना आपको यहाँ पे लिखना है, आप कितना भी बड़ा यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो और प्रीव्यू पे क्लिक करके सुन सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पसंद आ गया आपने जो ये जो भी आपने लिखा था उसको, तो यहाँ पे सेव टू मीडिया पे आपको क्लिक करना है। सेव टू मीडिया पे क्लिक करने के बाद में प्रिपेयरिंग बताएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये जो आपने
ऑडियो जो अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है तो ये आपके टाइमलाइन में आ जाएगा आपका जो भी ऑडियो आपने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच किया है। अब यहाँ पे ये आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप 480p पे यहाँ पे क्लिक कर लो, क्योंकि हमको सिर्फ ऑडियो की जरूरत है, वीडियो तो वैसे भी हमने कुछ बनाई नहीं है। यहाँ पे 480p पे आप सिलेक्ट कर लो और ये जो है यहाँ पे तुरंत ये आपका कंप्यूटर जाएगा और आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड्स में ये सेव हो चुका है अनटाइटल्ड वीडियो नाम से मेड विद क्लिप चैम। तो यहाँ पे हम लोग अपने फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अनटाइटल्ड वीडियो मेड विद क्लिप चैम जो है वो आ चुका है। अब ये फिलहाल वीडियो फॉर्मेट में, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। माइक ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। तो अभी ये वीडियो फॉर्मेट में, हमको इसको MP3 फॉर्मेट में करना है, तो इसको बस आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लो और इसको MP4 से MP3 कर लो। यहाँ पे MP3 कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो। बस ये पूछेगा इफ यू वांट टू चेंज द फाइल एक्सटेंशन, यस कर दो। यहाँ पे ये MP3 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये एक्सटेंशन एंड में आपको नहीं दिखा रहा आपके पीसी में, तो ये देखने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होता है, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे शो पे क्लिक करो। शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे बस टिक कर दो आप लोग, तो ये आपको .mp3 है, .mp4 है, क्या एक्सटेंशन है वो आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग उसको डायरेक्ट MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये आप लोग लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, दैट्स व्हाई सम पीपल अपीयर ब्राइट अंटिल यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये MP3 में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो वीडियो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर आप भी वैसी एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो में बताया कि आप लोग कैसे बना सकते हो एनिमेटेड वीडियोस, तो ये वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल की और वीडियोस को चेक करो। अगर आपके काम की और वीडियोस मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।